लास्ट वाले एपिसोड के अंदर में लॉस सैंटोस के प्रेसिडेंट को मार दिया जाता है। उन लोगों का अभी तक पता नहीं चला है कि आखिर किन्ने मारा है। एंड देन मैं और शिनचैन जाते हैं प्रेसिडेंट को देखने के लिए प्रेसिडेंट हाउस, बट वहाँ पुलिस की सिक्योरिटी इतनी ज्यादा टाइट होती है कि हमें उल्टे पैर वापस आना पड़ता है। एंड नेक्स्ट डे टीवी पर न्यूज आ रही होती है कि फ्रैंकलिन क्लिंटन को नॉमिनेट किया जाता है प्रेसिडेंट बनने के लिए। फिर मुझे इतनी ज्यादा खुशी होती है कि मैं रेडी होकर डायरेक्ट प्रेसिडेंट हाउस पहुंच जाता हूँ। एंड देन वहां पर प्रेसिडेंट के नाम का अनाउंस होता है और किसी को नहीं, फ्रैंकलिन क्लिंटन को प्रेसिडेंट बनाया जाता है। अब देखते हैं कि आखिर फ्रैंकलिन का फर्स्ट डे एज अ प्रेसिडेंट आखिर कैसा रहता है। गुड मॉर्निंग गाइस, लॉस सैंटोस का एक और अमेजिंग सा दिन। बट यार मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं आज इतनी जल्दी क्यों उठ गया हूं यार। अभी तो भाई टाइम क्या हो रहा है वैसे? गाइस यार अभी तो 7:30 या 8 ही बज रहे हैं और भाई मैं इतना जल्दी कभी उठता नहीं हूं, बट आज यार मैं इतना जल्दी क्यों उठ गया हूं यार। और गाइस अब मुझे याद आ रहा है कि मैं तो लॉस सैंटोस का प्रेसिडेंट बन चुका हूं यार। अब तो भाई जो मैं चाहे वो कर सकता हूं लॉस सैंटोस के अंदर में, कंट्री के अंदर में एकदम भाई कंट्री को डेवलप भी कर सकता हूं एंड कंट्री को पॉल्यूशन फ्री वगैरह, वाटर पॉल्यूशन फ्री सब कुछ कर सकता हूं। लेकिन भाई यहां पर अभी तक मुझे कोई सिक्योरिटी क्यों नहीं नजर आ रही यार। भाई प्रेसिडेंट बन चुका हूं उसके बाद भी कोई सिक्योरिटी नहीं? अच्छा ये रे भाई सामने की साइड खड़े हुए हैं। ओके सो भाई कौन हो तुम लोग? सर मैं आपका पर्सनल असिस्टेंट हूं। ओके ओके तुम मेरे पर्सनल असिस्टेंट हो एंड वैसे तुम्हारा नाम क्या है? सर मेरा नाम बाबू राव है। बाबा इधर जहर खाने का पैसा नहीं है। अरे भाई बाबू राव कैसा नाम है यार, ये तो भाई कोई पिक्चर का नाम लगता है मुझे। और भाई ये नाम आखिर तुम्हारा रखा किसने भाई? बाबू राव बड़ा ही फनी नाम है यार। सर आप हंसो मत, ये मेरे मम्मी पापा ने रखा है। ओके ओके तुम्हारे मम्मी पापा ने रखा इसलिए नहीं हंस रहा, वरना भाई नाम तो कुछ ज्यादा ही फनी है तुम्हारा बाबू राव। वैसे तुम्हारा नाम काफी ज्यादा अच्छा है, बट तुम्हारा काम भी बता दो कि तुम्हारा काम आखिर क्या है। सर मैं आपका पर्सनल असिस्टेंट हूँ एंड जितने भी देश में आपके काम रहेंगे साथ में मैं हर जगह चलूंगा। ओके ओके तुम मेरे साथ में चलोगे एंड तुम्हारे ये राइट साइड में कौन खड़े हुए हैं? सर ये स्पेशल रेंजर से जो आपकी सिक्योरिटी में हमेशा खड़े रहेंगे। ओके सो ये मेरी सिक्योरिटी में खड़े रहेंगे, ये एकदम बढ़िया से ट्रेंड है ना? जी सर ये एकदम ट्रेंड है। ओके ओके सो तुम अभी यही रुको, मैं एकदम कंप्लीट होकर नहा धोकर आता हूँ सूट वगैरह पहन के, देन हम चलते हैं काम करने के लिए। भाई मुझे मेरा सबसे बढ़िया काम लगता है कि स्विमिंग पूल में आराम से चिल करो नहाओ। बट गाइस यार अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज काफी ज्यादा बढ़ गई है, सो मुझे अब नहाना कम है काम ज्यादा करना है। बट अब मुझे जितने भी सिटी और कंट्री के अंदर में काम है सारे करवाने होंगे। फटाफट से मैं आउटफिट चेंज करके तुमको मिलता हूँ। सो गाइस यहाँ पर हम रेडी हो चुके हैं सूट वगैरह पहन कर, जैसा कि तुम लोग देख सकते हो एकदम प्रेसिडेंट की तरह। अब हम चलते हैं हमारे पर्सनल असिस्टेंट मतलब हमारे बाबू राव के पास में एंड पूछते हैं कि हमें क्या काम करना है सिटी में क्या नहीं, क्योंकि मेरा फर्स्ट डे तो मुझे ज्यादा कुछ मालूम नहीं कि सिटी में क्या करना है। सो बाबू राव हमें हमारी सिटी में क्या काम करना है क्या नहीं जल्दी बताओ। जी सर उससे पहले आप देख लीजिए कि आपके घर के सिक्योरिटी क्या करी है हमने क्या नहीं। ठीक है तो तुम मुझे एक काम करो कि पहले मेरे घर के सिक्योरिटी चेक करा दो, देन उसके बाद हम लोग चलते हैं सिटी के काम करने के लिए। जी सर चलिए हमारे साथ, हम आपको पूरी सिक्योरिटी बताते हैं आपके घर की। ठीक है तो फिर जल्दी से चलो एंड सिक्योरिटी बताओ। हाँ भाई चौप क्या हाल है तेरे, जब से मैं प्रेसिडेंट बना भाई तू तो दिख ही नहीं रहा है मुझे। कल मैं तो यही हूँ और तू नहीं दिखता मुझे। अबे भाई यार अब मैं प्रेसिडेंट बन चुका हूँ तो थोड़ा बिजी हूँ। एंड शिनचैन कहाँ चले गया यार? वही शिनचैन ही टहलने गया सिटी के अंदर में। ठीक है भाई उसका भी ध्यान रखना क्योंकि अब हम प्रेसिडेंट बन चुके हैं तो हमारे दुश्मन बहुत सारे बनेंगे। ठीक है भाई मैं बोल दूंगा शिनचैन को। ठीक है तो भाई जल्दी से चलो भाई मुझे मेरे घर की सिक्योरिटी बताओ। सर सबसे पहले हम छत से स्टार्ट करते हैं, वहाँ की सिक्योरिटी आप सबसे पहले देख लीजिए क्योंकि छत से सबसे ज्यादा डर रहता है हमारे दुश्मनों को आने का। लेट्स गो यार तो छत पे चलते हैं देखते छत की सिक्योरिटी आखिर कैसी है। ओके सो छत पे आ चुके हैं। ओ भाई सिक्योरिटी तो काफी ज्यादा अच्छी कर रखी इन्होंने मेरी। जी सर आपकी सिक्योरिटी हम बहुत ज्यादा ही टाइट तरीके से कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हमारे बहुत सारे दुश्मन हैं। हाँ भाई मुझे पता है कि हमारे दुश्मन बहुत ज्यादा है, बट मैडम हमारे घर का ध्यान रखिएगा आप, एकदम अच्छे से घर की निगरानी करना एंड दूर दूर तक देखना कि हमारे दुश्मन नहीं आए एंड शिनचैन एंड शॉप का खास ख्याल रखना। ठीक है भाई काफी ज्यादा अच्छी सिक्योरिटी कर रखी है इन लोगों ने हमारी, यहाँ पर लगभग 7 से 8 नहीं भाई ज्यादा रेंजर से। सर ये दिन रात खड़ी रहेगी यहाँ पर, दिन रात 2400 घंटे खड़ी रहेगी। ओके ओके 2400 घंटे ही खड़े रहना देना ताकि मैं एकदम सिक्योर रहूं। एंड देखते कि अब यहाँ पर हमारी और नीचे की साइड में सिक्योरिटी क्या है। छत की तो हमने पूरी देख ली है, चलो गाइस अब अंदर की सिक्योरिटी तो देख ली है लेकिन अब बाहर की भी देख लेते कि आखिर सिक्योरिटी बाहर कैसी कर रखी है। ओके सो यहाँ पर एक कॉप लगाया हुआ है इन्होंने, 2-3 गाइस इधर बाहर की साइड भी बहुत अच्छे से कर रखी है मेरे बाबू राव ने सिक्योरिटी। एंड यहाँ पर भाई एक बहुत अच्छी सी कार दी हुई है, बट यार गाइस प्रेसिडेंट को ऐसी कार दे रखी है इन्होंने भाई, लिमोजिन वगैरह दो यार। सो बाबू राव यार प्लीज गवर्नमेंट को जल्दी से जल्दी एप्लीकेशन दो कि प्रेसिडेंट को लिमोजिन कार चाहिए। जी सर हम जल्दी से जल्दी देते हैं। एंड वैसे ये गेट क्यों लगा रखा है तुमने इतना खतरनाक सा? सर ये गेट मामूली नहीं है, बहुत खतरनाक गेट है। सर ये गेट एक सुई तक को भी अंदर नहीं जाने देता है, यहाँ पर जितने भी इक्विपमेंट्स वेपन्स रहते हैं सबको डिटेक्ट कर लेता है ये।
ईट। ओके ओके, तो सिक्योरिटी तुमने काफी ज्यादा अच्छी कर रखी है मेरे घर की। एंड अब बताओ कि आखिर सिटी के अंदर में हमारा काम क्या है। जी सर, अभी बताता हूँ। सर सबसे पहले हमें वापस से प्रेसिडेंट हाउस जाना होगा एक स्पीच देने के लिए। अबे भाई क्या बार बार यार प्रेसिडेंट हाउस मुझे ले जाते हो स्पीच के लिए। भाई स्पीच जरूरी नहीं यार, हमारी सिटी में क्या काम हो रहा है क्या नहीं वो हमारे लिए ज्यादा जरूरी है। जी सर, तो आपकी मैं स्पीच कैंसिल करा दूं प्रेसिडेंट हाउस पर? हाँ भाई, पूछने की जरूरत नहीं है, जल्दी से स्पीच कैंसिल करा दूं, वहाँ पर मुझे स्पीच नहीं देना है। भाई अब मुझे बताओ कि अब हमारा नेक्स्ट काम क्या है। सर अब हमें मिलिट्री बेस जाना है, वहाँ के जनरल से मिलने एंड वहाँ के सिक्योरिटी इक्विपमेंट चेक करने के लिए। ठीक है भाई, चलते हैं मिलिट्री बेस एंड देखते कि आखिर वहाँ के इक्विपमेंट आखिर कैसे हैं। सर गाड़ी में बैठिए, आप मैं गाड़ी चलाता हूँ। अबे भाई गाड़ी चलाने की आदत मुझे काफी ज्यादा है एंड मुझे काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है गाड़ी चलाने का, तो गाड़ी तो मैं ही चलूंगा। सर सर ये सही नहीं, आप मत गाड़ी चलाइए सर, हमारे रेंजर्स या मैं चला लूंगा गाड़ी। नहीं भाई, गाड़ी चलाना तो मुझे आती है काफी ज्यादा अच्छे से, तुम लोग सिर्फ बैठो भाई, गाड़ी मैं चलाता हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है गाड़ी चलाने का। सर ये गलत है सर, सर मैं बोल रहा हूँ मुझे गाड़ी चलाने दीजिए, आपका गाड़ी चलाना सही नहीं है। अबे भाई यार मैं बोल रहा हूँ जब चला लूंगा, मेरा ये ऑर्डर है कि गाड़ी मैं चलाऊंगा। जी सर आपका ऑर्डर मानना हमारा काम है। गाइस यार जब तक हम लोग मिलिट्री बेस जा रहे हैं, जब तक तुम इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि हम इसी तरह के पार्ट्स एंड सीरीज कंटिन्यूअसली लाते रहेंगे एंड तुम्हें काफी ज्यादा मजा आने वाला, तो बेल आइकन भी ऑन कर लेना ताकि वीडियो सबसे पहले तुम्हारे पास में पहुंचे। लेट्स गो, चलते हैं मिलिट्री बेस की साइड में। गाइस यार हम लोग बस अब मिलिट्री बेस पहुंचने वाले और देख सकते हो तुम हम मिलिट्री बेस में एंटर होने ही वाले हैं। एंड देखो भाई क्या ही हसीन वादियों में बना हुआ है मिलिट्री बेस, मतलब एकदम शहर से बाहर शहर से दूर। एंड अब देखते हैं यहाँ पर क्या सीन है क्या नहीं। अरे भाई फटाफट से ओपन करो, प्रेसिडेंट आया दिख नहीं रहा है तुम्हें? सर लगता है इन्हें बताना पड़ेगा कि हम प्रेसिडेंट है, क्योंकि इन्हें हमारी गाड़ी का नंबर वगैरह कुछ पता नहीं है। एंड भाई गन क्यों उतार रहा है हम लोगों को? सर मैं भी एक मिनट बात करके आता हूँ। सर मैंने यहाँ के सिक्योरिटी गार्ड से बात कर ली है एंड उनको बता दिया कि आप प्रेसिडेंट है एंड वो मान चुके हैं, इसलिए उन्होंने गेट ओपन कर दिया। हाँ भाई इनको बता के रखो यार, अब हम नए प्रेसिडेंट बन चुके हैं एंड हमारी गाड़ी का नंबर वगैरह सब नोट कर लो भाई, अभी तो कोई दिख नहीं रहा है, लगता है वो मिलिट्री का ऑफिसर अंदर निकल चुका है। लेट्स गो, चलते हैं एंड हमारे जनरल से मिलते हैं एंड इक्विपमेंट्स वगैरह चेक करते हैं। लेट्स गो भाई, किस साइड में जाना है मुझे बता देना थोड़ा सा, क्योंकि अब मुझे पता नहीं है कि हमें किस साइड में जाना है। एंड भाई गाइस यार टैंक देखो तुम भाई मिलिट्री के, गाइस यार लिटरली बता रहा हूं प्रेसिडेंट बनने के बाद यहां पर पहली बार आया हूं। ऐसे तो भाई मैं नॉर्मल था जब मैं दूर से देख लेता था, लेकिन अब मैं सारी चीजें चेक करने वाला हूं, मुझे यकीन नहीं हो रहा यार लिटरली में कि मैं इन सब चीजों को चेक करूंगा। सर यकीन करना पड़ेगा क्योंकि आप प्रेसिडेंट बन चुके हैं। हां भाई पता है मुझे बाबू राव। गाइस अब चलते हैं एंड मिलते हैं यहां के आर्मी जनरल से, जो कि यहां के सबसे बड़े हेड है। कहां है भाई आखिर यहां के जनरल? ओ भाई ये रे गाइस, गाड़ी थोड़ी सी पार्क सही लगानी पड़ेगी एंड चलते हैं एंड मिलते हैं हमारे जनरल से। सर ये यहाँ के प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन क्लिंटन, जो कि अभी अभी प्रेसिडेंट बने हैं। जानता हूँ बहुत अच्छे प्रेसिडेंट बने हैं, बहुत अच्छे सेलेक्ट हुए हैं। ओ थैंक यू सो मच जनरल। एंड आप बताइए कि क्या चल रहा है आजकल मिलिट्री बेस में, एंड कोई आसपास के देश हमला करने का तो नहीं कर रहे हैं? नहीं नहीं प्रेसिडेंट सर, यहाँ पर कोई भी हमला नहीं करेगा क्योंकि हमारे पास में इक्विपमेंट्स काफी ज्यादा तगड़े हैं। ओ ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे पास में इक्विपमेंट्स बहुत तगड़े हैं, एंड आप इक्विपमेंट्स के साथ में हमारी आर्मी का भी ध्यान रखिएगा क्योंकि आर्मी है तो हम है। जी जी बिल्कुल प्रेसिडेंट, हम यही करेंगे, हमारी आर्मी का ध्यान रखेंगे। ओके सो हम अब जिस काम के लिए आए हैं वो काम आप बता दीजिए हमें क्या करना है। सर सबसे पहले आप यहाँ के जितने भी फाइटर जेट्स एंड प्लेन्स है सभी को चेक कर लीजिए। ठीक है तो हमें बता दीजिए कि कहाँ पे आपके फाइटर जेट्स एंड प्लेन्स। आइए हमारे साथ में, हम आपको बता देते हैं फाइटर जेट्स। चलो भाई देख के आते हैं फाइटर जेट्स की हमारे लॉस सैंटोस के अंदर में फाइटर जेट्स कैसे हैं। लेट्स गो चलते हैं सर। आइए सर सबसे पहले आप देख लीजिए हमारे पास में 10 ट्रक है। ओके यहाँ पर 10 ट्रक तो मुझे दिख नहीं रहे हैं वैसे। सर 10 में से 4 ट्रक अभी आर्मी के कुछ सामान की डिलीवरी करने गए हैं दूसरे शहर में। ओके सर आगे ये मैं आपको अब कार बता देता हूँ। ठीक है भाई चलो देखते आगे कार कौन सी है कौन सी नहीं। सर हमारे पास में टोटल ऐसी 20 जीप्स है जिसमें से 10 यहाँ पर खड़ी है, 10 कहीं गई है। ओके सो तुम्हारे पास में जीप्स काफी अच्छी दिख रही है मुझे, काफी वेल मेंटेन्ड है, बहुत बढ़िया जनरल। अरे थैंक यू सर हम ऐसे ही मेंटेन रखते हैं। ओके सो अब ये लेफ्ट साइड में क्या है? ओके सो तुम्हारे पास में हेलीकॉप्टर आखिर कितने हैं? सर हमारे पास में यहाँ पर टोटल 6 हेलीकॉप्टर है एंड ये बहुत ही शानदार क्वालिटी एंड बहुत ही पावरफुल है। ओके सो ये बहुत ज्यादा पावरफुल है मुझे दिख ही रहा है इनके एकदम लुक से। जी सर ये एकदम पावरफुल है। ऑलराइट यार थोड़ा सा पास जाकर इसकी क्वालिटी भी चेक करी जाए। ऑलराइट गाइस यार काफी अच्छी क्वालिटी के दिख तो मुझे रहे हैं, इसे हम एक बार चलाकर भी देखेंगे। पर बट गाइस
हेलीकॉप्टर नहीं, हम एकदम फाइटर जेट ही चलाकर देखेंगे। वैसे जनरल तुम्हारे फाइटर जेट्स कहाँ हैं? जी सर, भी मैं बताता हूँ, आइए आगे। सर ये है हमारे फाइटर जेट्स जो की आसमान में दुश्मन को तबाह कर देते हैं। काफी ज्यादा पावरफुल है ये जेट्स, मुझे दिखने में ही लग रहा है एकदम। जी सर ये बहुत ज्यादा पावरफुल है, एंड की स्पीड 400+ है। ऑल राइट, 400+ तो काफी अच्छी स्पीड है इनकी। सो मैं सोच रहा हूँ कि एक बार इन्हें चेक करने के लिए चलाकर देख लूँ। आप देख सकते हैं चला के। ऑल राइट, सो एक चेक करा जाए। सबसे फर्स्ट वाला चेक करते हैं। लेट्स गो यार गाइस, ट्राई करते हैं यहाँ के फाइटर जेट्स आखिर कैसे होने वाले। लेट्स गो, फटाफट से भाग के जाता हूँ एंड ट्राई करता हूँ, क्योंकि गाइस हमें देखना पड़ेगा ना यार कि आखिर लॉस सैंटोस की सिक्योरिटी के लिए हमारे जेट्स वेल प्रिपेयर्ड है या फिर नहीं। लेट्स गो गाइस। सर मैं हेल्प करने आऊँ क्या? नहीं भाई, ये सिंगल सीट है, तुम्हें नहीं पता? सर मुझे पता है, बट मैं ऐसे ही बोल रहा था। गाइस यार देखो तुम, क्या ही चल रहे हैं फाइटर जेट्स। अबे भाई गाइस, लिटरली मैं इसमें पीछे से नाइट्रो निकल रही है। लेट्स गो, मैं तुम्हें बताता हूँ कि इसे टेक ऑफ आखिर कैसे करते हैं। लेट्स गो गाइस। गाइस यार लिटरली मैं यहाँ के फाइटर जेट्स चला रहा हूँ, एंड ये लिटरली में काफी ज्यादा अच्छे चल रहे हैं यार, तुम खुद देखो यार। और इनकी स्पीड लिटरली में काफी ज्यादा अच्छी है भाई। ये तो हम मान सकते हैं कि हमारे आर्मी के पास में काफी ज्यादा अच्छे इक्विपमेंट्स एंड व्हीकल्स है। देखो तुम, मैं अब इसे कैसे मोड़ता हूँ। ये भाई गाइस यार लिटरली में बहुत ज्यादा सही है, एंड बहुत ज्यादा मजे आ रहे हैं। एंड मैं ज्यादा दूर नहीं जाता, वरना भाई मैं बहुत दूर पहुंच गया, सिटी में तो दिक्कत हो सकती है थोड़ी, कि भाई बोलेंगे प्रेसिडेंट ही यहाँ का भाई फाइटर जेट्स चला रहा है। लेकिन लिटरली में काफी ज्यादा मजा आ रहा है मुझे। ओके जनरल, सो मुझे यहाँ के फाइटर जेट्स काफी ज्यादा पसंद आए हैं। एंड अब ये 5 प्लेन्स किस काम के हैं? सर ये प्लेन्स हमें जब भी कहीं अर्जेंट काम पड़ता है तो वहां पर काम में आते हैं। ओके ओके, सो गाइस यार यहाँ पर हमें जितने भी काम थे मिलिट्री बेस के अंदर में, गाड़ी चेक करना, प्लेन चेक करना, एंड यहाँ के फाइटर जेट्स चेक करना, सारे हमने कंप्लीट कर लिए हैं। एंड गाइस यार सारी चीजें मिलिट्री बेस की हमने देख ली कि आखिर कैसा क्या सीन है यहाँ पर। एंड गाइस लिटरली बता रहा हूँ, मिलिट्री बेस की सिक्योरिटी काफी ज्यादा अच्छी है भाई। खोलो ये, नहीं तो भाई मैं तो तोड़ के निकल रहा हूँ यार। भाई दिमाग खराब कर रखा है, बार बार लगा देते हैं। जब बता की भाई प्रेसिडेंट आ रहे हैं तो फिर लगाने की जरूरत ही क्या है। लेट्स गो, चलते हैं अब अपने घर के साइड में। एंड भाई बाबूराव, हमें क्या काम बचा है, क्या नहीं, जल्दी बताओ। सर अभी हमें जाना ओशन साइड में वहां की शिप्स एंड फाइटर शिप्स देखने के लिए। अबे भाई यार आज का हमने बहुत ज्यादा काम कर लिया है, मिलिट्री बेस का पूरा छान मारा है एंड सारी चीजें कंप्लीट करी है। सो आज यार मैं सोच रहा हूँ कि घर जाके अब थोड़ी देर आराम करूँ, क्योंकि मैं फर्स्ट डे में इतना ज्यादा काम कर लूंगा तो आगे क्या करूंगा। सर ये बात भी आपकी सही है। तो ठीक है यार गाइस, यार आई होप तुम्हें ये एपिसोड काफी ज्यादा पसंद आएगा, जिसमें हमने मिलिट्री बेस की सारी चीजें चेक करी, प्रेसिडेंट बन के फर्स्ट डे में हमने सारी चीजें कर ली मिलिट्री बेस की। अब नेक्स्ट वाले एपिसोड के अंदर में तुम्हें और बेहतरीन बेहतरीन चीजें देखने को मिलेगी। उसके लिए तुम लोग वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो, एंड बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, ताकि तुम्हारे पास में नेक्स्ट वाले एपिसोड का नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी आ सके। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में।